बलकपड़ा थाना क्षेत्र के खलटाका पुलिस चौकी पर आगामी गणेश उत्सव त्यौहार एवं 16 तारीख को ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित होने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना प्रभारी रामेश्वर ठाकुर ने कहा कि सभी लोग अपने धर्म के अनुसार शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं। गणेश जी स्थापना करने के लिए पांडाल बनाते वक्त विद्युत तारों का पांडालों में विशेष रूप से ध्यान रखें। डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसी के साथ सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करें। बैठक में चौकी प्रभारी राजेंद्र अवासिया, पत्रकार जितेंद्र सिंह चौहान, शिव कुमार राठौर, दिनेश पटेल, जितेंद्र सिंह सोलंकी, दीनदयाल शर्मा, गणमान्य दिलीप सिंह पटेल, ललित यादव, पवन पटेल, टिकेन चौहान, समृत मुकाती सहित बड़ी संख्या में दोनों समुदाय के गणमान्य लोग मौजूद रहे। एनटीवी टाइम के लिए खरगोन से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। सर, चौकी पे बैठक आयोजित की थी, आज मामला आज आगामी गणेश उत्सव और हमारे ईद मिलन नबी पर्व को लेकर हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों के त्यौहार को लेकर हमने आज चौकी खलटाका में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया था। उस बैठक में शांति समिति के सदस्य, गणमान्य नागरिक, अपर बुद्धजन और पत्रकार बंधु सभी उपस्थित हुए थे। हमने सभी से अपील की कि सभी धर्मों का सम्मान करें और अपने त्यौहार को शांति और भाईचारे के साथ मनाएं और यातायात किसी भी प्रकार से पंडाल बनाते से अवरुद्ध न हो। हमें फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस वगैरह निकलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, स्थान दिया जाना चाहिए और माँ नर्मदा को विसर्जन के दौरान भी दूषित न करें। अन्य नदियों में दूषित नहीं है, वहाँ पर जनी जीव रहते हैं और इंसान पानी पीने के उसमें काम में रहता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर अपने अपने त्यौहार मनाने की समझाइश दी गई और साथ ही आप सब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी असामाजिक तत्व त्यौहारों के दौरान यदि किसी प्रकार के भड़काऊ मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से परोसता है, भेजता है, हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? टीआई रामेश्वर ठाकुर, थाना बलापुरा। सर, एक क्वेश्चन था कि मगर फेड़ी से लेकर ठेकी तक जो रोड है ब्लैक जोन बन चुका है, उसमें बहुत एक्सीडेंट होते हैं सर, उसके लिए क्या कार्रवाई की? उसको लेकर हमने NHAI वालों को पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से हमने उन्हें अवगत कराया है कि यहाँ पे इस टाइप से एक्सीडेंट होते हैं, तो उनके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं का समाधान करा सकें।